हेलो गाइस, मैं किशोर कुणाल और आप देख रहे हैं गर्दा फैक्ट। तो गाइस कैसे हो आप लोग, मैं वापस आ गया हूँ गर्दा उड़ा देने वाले फैक्ट के साथ। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है सन, जो कि सूर्य है। आज हम बात करेंगे सूर्य के 7 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो कि एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता होते हैं। फैक्ट्स की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, लेट द काउंटिंग बिगिन। पूरे सोलर सिस्टम में सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, कुछ मून्स हैं, कुछ एस्ट्रॉइड्स हैं, कुछ मेट्रोइड्स हैं, बट इसमें जो मास है सन का वो 99.8% है। बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो 0.2% के अंदर में आती हैं। सन अभी अपने मिडिल एज में है। आज से करीबन 5 बिलियन सालों के बाद सन अपने रेड जायंट फेज में पहुंच जाएगा, जिस फेज में सन अपनी आसपास की सारी चीजों को कंज्यूम कर लेगा अपने अंदर। सन का हर पार्ट अलग अलग स्पीड से मूव करता है। जैसे सन के इनर पार्ट्स होते हैं और आउटर पार्ट होता है, तो जो आउटर पार्ट होता है उसमें इक्वेटर है एंड पोल्स है। तो सबसे ज़्यादा तेजी से रोटेट करने वाला जो पार्ट होता है वो होता है आउटर पार्ट, जो कि इक्वेटर पे होता है। उसके बाद जो पार्ट होता है वो इनर पार्ट होता है, एंड सबसे स्लो रोटेट करने वाला पार्ट जो होता है वो पोल्स होते हैं। सन का जो आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर है वो सन के सरफेस से बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। अगर हम इनको नंबर्स में देखेंगे तो सन का सरफेस 6000 केल्विन एंड सन के एटमॉस्फेयर का सरफेस 1 लाख केल्विन। सन की जो ग्रेविटी है वो हमारे अर्थ के मुकाबले 28 गुना ज्यादा है, 28 टाइम्स ज्यादा ग्रेविटी है सन पे। सन जो है 30,000 लाइट ईयर्स दूर है मिल्की वे के सेंटर से। जैसे कि हमारे प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह मिल्की वे में भी सन रिवॉल्व करता है। और सन को मिल्की वे का एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 250 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। तो गाइस कैसा लगा आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी के चलते आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोस का पता लगेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।